और कई दीपकों को सॉरी बिचौलियों को जड़ से साफ कर दिया है, बस इस मोबाइल से। नमस्ते वीर सावरकर इस साल मैंने आंदमान निकोबार के इक्कीस द्वीपों के नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम रखे, आपको गर्व होगा ना मुझ पे? रानी माँ इस साल मैंने महिलाओं मैं की संसद में भागीदारी बढ़ा दी है पता है नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी पास हो गया नेताजी चलो दिल्ली इस साल अंग्रेजी हुकूमत के सारे बचे कुछ निशान मिटा दिए हैं मैंने राजपथ का नाम बदल कर मैंने कर्तव्य पद रख दिया है और जहाँ किंग जॉर्ज का पुतला था ना दिल्ली में वहाँ अब आपकी प्रतिमा खड़ी है आप होते तो कितने खुश होते नेताजी अब हम अंग्रेजों के नहीं हमारी अपनी संसद में बैठते है सर हमने कर दिया हम पर पहुंच गए सर चांद के साउथ पोल तक कैन यू इट जहां अब तक कोई देश नहीं पहुंच पाया सर सरदार पता है इस साल कश्मीर में पहली बार तिरंगा यात्रा हुई वीडियो देखेंगे यू मस्ट बी वेरी प्राउड इस साल एशियन गेम्स में 108 मेडल जीत कर लाया हूँ अब हर गरीब आजाद है आजाद उन लंबी लाइनों से उन लंबे इंतजारों। इस साल भी हर खाते में पूरा पैसा देकर आया हूँ इस साल मैंने देश को और स्वच्छ बना दिया है बापू आप सोच भी नहीं सकते इस साल हमारे भारत से तेरा करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर लाई हूँ अरे हाँ बापू चार करोड़ गरीबों को पक्का मकान दिला चुकी हूँ रानी बाई प्रणाम अब कोई रानी पानी के लिए नहीं लड़ेगी इस साल मैंने तेरह करोड़ घरों में पानी पहुँचा दिया है अब कोई भूखा नहीं रहेगा हर थाली में अनाज रखकर आया हूँ और इस साल को यूनाइटेड नेशन में मिलेटियर बना कर आया हूँ पूरे करके आई हूँ चौबीस में भी करता रहूंगा और विकसित भारत बना कर ही दब लूंगी ये मेरी और मोदी जी की गारंटी है यही समय है सही समय है भारत का अनमोल समय है हाई हाई एवरीबाडी गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीबाडी एक्चुअली ये जो वीडियो है दिस इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन ने ट्वीट किया था ऑल द इम्पॉर्टेंट जो इवेंट्स अभी हुई हैं टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री में सो टूडे इज थर्टी फर्स्ट ऑफ दिसंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री डे नंबर थ्री सिक्स फाइव सी काइंडस काइंडस इज नॉट एन एक्ट काइंडनेस इज नॉट एन एक्ट इट्स अ लाइफ स्टाइल काइंडस इज अ लाइफ स्टाइल Be kind whenever possible, it is always possible. So, 365 out of 365, year 2023. Every day means every day. See, let go in order to grow again. When I let go of what I am, I become what I might be. So, this is 31st of December 2023. सो थ्री सिक्सटी फाइव आउट ऑफ थ्री सिक्सटी फाइव वेट डे डेट ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री फर्स्ट ऑफ जनवरी ट्वेंटी ट्वेंटी से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई थी देन ये आज हो गया है टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एवरी डे मीन्स एवरी डे इट वॉज नॉट ईजी बहुत सारे अप्स आए बहुत सारे डाउन्स आए दैन द थिंग इज द शो मस्ट गो ऑन एंड ईयर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री में भी हमने कवर किया है एवरी डे मीन्स एवरी डे सारे दिन के न्यूज़ पेपर हमने यहाँ पे देखे हैं सो दिस इज अमेजिंग ये पॉसिबल नहीं हो पाता बिना आपके सपोर्ट एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव सो थैंक यू सो मच फॉर एवरी थिंग थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग सो दिस इज न्यूज पेपर एवरी डे मीन्स एवरी डे डेली ब्रीफ ऐसे ही कंटिन्यू रहेगा दिस इज डेली क्विज दिस इज डेली क्विज क्वेश्चन नंबर वन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इलेक्शन टू द लोकल गवर्नमेंट्स इलेक्शन टू द लोकल गवर्नमेंट ऑल द मेम्बर्स ऑफ पंचायत आर डायरेक्टली इलेक्टेड जितने भी मैम्बर्स हैं पंचायत के सारे लेवल पे ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं स्टेट लजिस्लेचर कैन लजिस्लेट ऑन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू इलेक्शन टू बोथ पंचायत एंड म्यूनिस्पैलिटीज स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाई गवर्नर बट इज रिमूव्ड बाई द प्रेसिडेंट यस डू इट सो सी टेल टेल द आंसर इसका आंसर बताइए इसका आंसर बताइए वॉट इज द आंसर येस ये आंसर टेल द आंसर ये सी वी वी आर हेयर फॉर एग्जाम परपज ओनली सी टेल द आंसर आंसर बताइए सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इलेक्शन टू द लोकल गवर्नमेंट ऑल द मेम्बर्स ऑफ पंचायत एट ऑल लेवल्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड ये ट्रू है या नहीं है स्टेट लजिस्लेचर्स कैन लजिसलेट ऑन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू द इलेक्शन टू बोथ पंचायत ये ट्रू है या नहीं है स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाई गवर्नर बट इज रिमूव बाई द प्रेसिडेंट ये ट्रू है या नहीं है आंसर सो विच ऑफ दबेटमेंट्स आर करेक्ट इनमें से करेक्ट क्या है तो जो पहला स्टेटमेंट है मेंबर्स मेंबर्स हमेशा डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं जो चेयरपर्सन है वो उनका इनडायरेक्ट हो सकता है बट मेंबर्स तीनों स्टेज पे जो विलेज है ब्लॉक है डिस्ट्रिक्ट है हमेशा डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं सो दिस इज ट्रू सेकेंड जो स्टेटमेंट है ये भी एब्सोल्युटली ट्रू है स्टेट लेजिस्लेचर वहां पे लेजिस्लेट कर सकता है थर्ड स्टेटमेंट है थर्ड स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू स्टेट इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंटमेंट तो गवर्नर करते हैं बट रिमूवल जो होता है वो बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है सो डी इज द राइट आंसर फर्स्ट इज ऑल्सो ट्रू ऑल द मेंबर्स मेंबर्स हमेशा डायरेक्ट इलेक्शन होता है मेंबर्स का इनडायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है चेयरपर्सन और इनका इनडायरेक्ट हो सकता है बट लगातार सवाल आते हैं क्वेश्चन नंबर टू कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द लोकल गवर्नमेंट्स इन इंडिया लोकल गवर्नमेंट्स इन इंडिया इट वॉज अकॉर्डेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस विद द एनफोर्समेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन

सेकेंड स्ट्रॉन्ग एंड वाइब्रेंट लोकल गवर्नमेंट एंश्योर करती है एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड पर्पजफुल अकाउंटेबिलिटी तो ये तो ट्रू है देखिए कुछ स्टेटमेंट्स ना यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं उनको गलत करना बहुत मुश्किल है आप इस सेकेंड स्टेटमेंट को रॉन्ग नहीं प्रूव कर सकते कि वाइब्रेंट लोकल गवर्नमेंट नो यू कैन नॉट मेक इट रॉन्ग ये करेक्ट ही होगा ये करेक्ट होगा

नी क्वेश्चन रिगार्डिंग द एज ऑफ जजेसिडेंट इन विद्रू अगर एज रिलेटेड कोई मैटर है कोई सवाल है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का ये डिटरमाइंड होता है बाई प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विदीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सो आपको बताना है इनमें से सही आंसर क्या है सही आंसर क्या है यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है आपसे इन करेक्ट तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ अपॉइंटिस्ट जूरिस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू बट जब एज से रिलेटेड मैटर आता है हाई हाई कोर्ट कोर्ट और सुप्रीम का तो में कोर्ट में प्रेसिडेंट विद द हेल्प ऑफ सीजेआई कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में पार्लियामेंट का जो प्रोसीजर है जो तरीका है उसके अकॉर्डिंग फिर डिसीजन मेकिंग होगा ऐसा कोई रूल नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का जब कोई एज रिलेटेड मैटर है तो वो प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिलकर सॉल्व करेंगे नो no, यहाँ पे पार्लियामेंट इन एक्शन आएगी सो ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये गलत है फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू द राइट आंसर इज पी द राइट आंसर इज पी ये है क्वेश्चन नंबर थ्री कंसिडर रिगार्डिंग आर्टिकल आर्टिकल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इट एंश्योर्स दैट अ अग कमिटेड मस्ट बी रेमेडीड कुछ गलत हुआ है तो उसको सुधारना भी हमारी जिम्मेदारी है तो आर्टिकल 142 में कंप्लीट जस्टिस होता है नेचुरल जस्टिस होता है कंप्लीट जस्टिस सुप्रीम कोर्ट नेसेसरी स्टेप्स ले सकती है रीसेंट हाईवे लिकर बैन वाज इम्पोज अंडर दिस आर्टिकल अक्सर ये देखा गया है रोड एक्सीडेंट्स का प्राइमरी जो रीजन होता है वो लिकर कंजम्पशन होता है इंटॉक्सिकेटेड स्टेट में अगर हम ड्राइविंग करते हैं तो हमारे जो रिफ्लेक्सेज हैं वो करेक्ट नहीं रहते हैं शार्प नहीं रहते हैं और हमसे गलतियां होती है सो रीसेंट हाईवे लिकर बैन वॉज इम्पोज अंडर दिस आर्टिकल इज इट ट्रू स्टेटमेंट फर्स्ट इज एप्सोलूटली ट्रू और आर्टिकल 142 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि ऐसे कुछ से 500 मीटर या ऐसा कुछ डिस्टेंस है जिसके आसपास पास हाईकोर्ट जो रे अपना रोड है इसके आसपास आप लिकर सेल नहीं कर सकते सो रिसेंट हाईवे लेकर बैन वॉज इम्पोज अंडर दिस आर्टिकल सो ये दोनों के दोनों एप्सोलूटली ट्रू है

वेन देर इज लैक ऑफ कोरम टू होल्ड और कंटिन्यू एनी सेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट तो जब कोरम नहीं है तब वो एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना सकते हैं टेल वॉट इज द राइट आंसर देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या होते हैं ये एक्टिंग मतलब टॉप जज हैं लाइक टॉप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सीजे आई कोरम ये होता है कि जब नंबर ऑफ जजेस सफिशियंट नहीं है बट दब देर विल ऑलवेज बी ए सी जे आई बट देर आर नो एडिशनल जजेस एडिशनल जजेस तो ये गलत है ये ट्रू है राइट आंसर इज ए करेक्ट इज ए ओके सो ये पांच सवाल हैं आज के लिए ऐसे ही टेलीग्राम क्विज है एवरी डे हमें ऐसे फाइव एम सी क्यू सॉल्व करना है ऑन डेली बेसिस सी ईयर एंड है ऑन अ क्लाउड नाइन वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड ही ऑन क्लाउड नाइन वेन सिस्टर केम टू विजिट इन क्लाउड नाइन मतलब वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड है टाइम न्यूर टाइम है टू एंजॉय सेल्फ वेरी मच मेक सम वंस डे सी न्यू ईयर में ट्राई टू मेक सम्स डे टू मेक सम वन फील वेरी हैप्पी सो दिस इज मेक समे समे वॉक ऑन एयर वॉक ऑन एयर का मतलब है टू फील एक्सट्रीमली हैप्पी टिकल्ड पिंक मतलब वेरी अम्यूज इन सेवेंथन मतलब एक्सट्रीमली हैप्पी ओवर द मून मतलब वेरी हैप्पी एंड ऑन ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड का मतलब है यू आर प्राउड ऑफ समथिंग खूब मेहनत से पढ़ाई करना है एंड फिर अच्छे रिजल्ट भी आएंगे सो यू विल फील ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड तो, तो सी 2023 आज एंड होता है और 2024 स्टार्ट होता है ये प्रिलिम्स वन है प्रीलिम्स वन में हम सिस्टमेटिकली सारे कोर सब्जेक्ट्स कवर कर रहे हैं और ये सारी चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट हो रही है टेस्ट सीरीज का एक बहुत ही इंटीग्रेटेड एलेबोरेटेड एंड बेस्टेस्ट वे जो पॉसिबल है बेस्ट वे जो पॉसिबल है वो टेस्ट सीरीज का अभी हम अभी एक स्टार्ट करेंगे इसके डिटेल्स में आपको बताता हूँ अब सी 2023 एंड होता है और 2024 स्टार्ट होता है है ना 2023 एंड होता है और 2024 स्टार्ट होता है सो so, टू में एवरी डू समथिंग और वो समथिंग है क्लीन स्लेट प्रोटोकॉल क्लीन स्लेट प्रोटोकॉल क्या होता है जो भी हाइज हैं 2023 के जो भी आपके अचीवमेंट्स हैं जिससे लेसन्स हैं बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, उनको हम आगे लेके जाते हैं इनको हम ऐड करते हैं और जो भी हमारी बैड मेमोरीज़ हैं जो भी हमारे डिफ़िकल्ट टाइम हैं जो भी हमें परेशानियां थी उन सबको हम सबस्ट्रेक्ट करते हैं सो दिस इज़ क्लीन स्लेट प्रोटोकॉल 2024 में क्लीन स्लेट प्रोटोकॉल करते हैं एंड लेट अस स्टार्ट एवरीथिंग फ्रॉम स्क्रैच अभी हमने प्रिलिम्स लिखा सम स्टूडेंट्स का मेंस नहीं हुआ आप डिजर्व करते थे आपने बहुत मेहनत की थी बट फॉर सम रीजंस नहीं हुआ अभी कोई बात नहीं 2024 में हम स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं सारी चीज़ें क्लीन स्लेट प्रोटोकॉल से चीज़ों को स्टार्ट करते हैं हम बेसिक से सारी चीज़ें कवर करते हैं पॉजिटिव माइंडसेट से आगे बढ़ते हैं वैल्यूज को वैल्यू ड्रिवन सिस्टम हम आगे बढ़ाते हैं और हम कुछ रिजोल्यूशन लेते हैं सो लेट एस डू दिस एक्सरसाइज वॉट इज योर रिजोल्यूशन फॉर टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर दो में आपको पता है डेली ब्रीफ भी एक रिजोल्यूशन के तहत ही स्टार्ट हुआ था जनवरी 2020 का टाइम है और ऐसा एक चैलेंज और रिजोल्यूशन लिया था कि एवरी डे वी आर गोइंग टू मेक वन वीडियो एवरी डे हम न्यूज़पेपर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे सो so, पहले वो था एक दिन फिर वन वीक हो गया फिर वन मंथ हो गया फिर वन ईयर हो गया और अभी थ्री इयर्स हो गए सो द थिंग इज रिजोल्यूशन में बहुत पावर होता है मेक गुड हैबिट्स मेक गुड रिजोल्यूशन ओके सो एवरीबडी जर्नल करना है आपको और एक नोट डाउन करिए आप अपनी डायरी में नोट डाउन करिए अपने वॉल पे आप पेस्ट करिए कि आप 2024 में किन सारी चीजों पे फोकस करना चाहते हैं स्टडीज में पर्सनल ग्रोथ में प्रोफेशनल ग्रोथ में डू इट ये बहुत इंटरेस्टिंग होता है आप इन सब वर्क को लिखिए और इनको फॉलो करिए जैसे वी एच इंडिया वन हमारी अभी दो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है पहला तो सृजन इंडिया वन को अभी बहुत तेजी से ग्रो करना है और सिविल सर्विसेज वन को भी हमें बहुत अच्छे से अभी एस्टैब्लिश करना है ये दो चीज़ें हम प्रायोरिटी पे करेंगे यस yes, 2024 में ऑल राइट सो द थिंग इज कि यू आल्सो डिसाइड पर्सनल लेवल पे भी आप डिसाइड करो पर्सनल लेवल पे आप किन सारे अचीवमेंट्स किन सारे फैक्टर्स पे देखोगे फॉर एग्जांपल आई विल ट्राई आई एम वेरी रिजर्व नेचर आई एम वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन जितना मैं न्यूज़पेपर में बोलता हूँ ना दिस इज़ प्रोबेबली 90 परसेंट ऑफ ऑल द टॉकिंग आई डू इन माई एंटायर डे नाइनटीन नाइनटी फाइव इवन सो आई विल ट्राई टू बी लेस रिजर्व लेस इंट्रोवर्ट और वन टू वन सेशंस भी मैं ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा यूजुअली आई आई डोंट टॉक मच आई डोंट टॉक मच ओके बट आई विल ट्राई आई विल वर्क ऑन दिस ऑन पर्सनल फ्रंट तो वन टू वन सेशन सब मैं ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करूंगा और इंटरेक्ट करने की भी मैं ज़्यादा कोशिश करूंगा अभी ओके सो यू ऑल्सो डू दिस थिंग यू ऑल्सो डू दिस थिंग कि हम किन सारे एरियाज़ में हम खुद को इम्प्रूव करें अवर गोल शुड बी टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ अवर सेल्फ्स

ओके, यस, वेरी गुड वेरी गुड अब सी सोशल मीडिया अपडेट है राज नारायण जी हैं रिमेंबरिंग द फ्रीडम फाइटर सोशल एक्टिविस्ट पॉलिटिशियन ऑन डेथ एनिवर्सरी राज नारायण जी का बहुत बड़ा नाम है ही पार्टिसिपेटेड इन द क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। फोर्टी टू ही प्लेड अ की रोल इन एस्टेब्लिशिंग सेवरल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड अ लेबर ऑर्गेनाइजेशन तो आप हैं राज नारायण जी आप हैं कृष्ण वल्लभ सहाय जी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गांव-गांव में जनसंपर्क कर अपने भाषणों से लोगों को आजादी के लिए प्रेरित किया तो आप हैं कृष्ण वल्लभ सहाय जी ये है रीचिंग न्यू हाइट्स नीचिंग न्यू हाइट्स में है हेलीकॉप्टर टूरिज्म तो ये है हेली टूरिज्म लॉन्चिंग टूडे देन ये है दिस इज ड्यूरिंग विच मंथ ऑफ द ईयर Do farmers celebrate the Lusong festival marking the harvest? तो ये festival बहुत important है। Ladakh, this is festival, किस month में होता है? March, August, December, none of the above. 10. Very good, very good. Which of the following is not a millet? इनमें से millet क्या नहीं होता है? Tell. ये millets भी बहुत important है। 2023 में, 2023 में हमने International Year of Millet बताया। देखिए हमें कभी खुद को ना बेसिक नेचर नहीं चेंज करना है पर्सनालिटी हमें अपनी चेंज नहीं करना है द थिंग इज कि हमारी पर्सनालिटी में और क्या इंप्रूवमेंट हो सकते हैं दिस इज ऑल वी शुड ट्राई टू डू दिस ऑल वी शुड ट्राई टू डू ओके यस कि हम बेस्ट वर्जन ऑफ अवर सेल्फ कैसे बन सकते हैं इट इज़ नॉट लाइक कि हम खुद को ही बदल दें नो कीप योर आइडेंटिटी बट ट्राई टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर जितनी भी आइडेंटिटी वर्क में इंप्रूवमेंट है उस पर आप फोकस करिए स्टेप बाय स्टेप रिफाइन करिए खुद को ओके okay. अब जैसे ये है दिस इज स्पेस आई एस आर ओ तो ये जितने भी कंटेंट मैं आपको दिखाता हूँ जैसे जो स्टार्टिंग के वीडियोज़ होते हैं या फिर ये इंफोग्राफिक्स होते हैं ये सारे गवर्नमेंट सोर्सड होते हैं गवर्नमेंट की ऑफिशियल डिफरेंट जो मिनिस्ट्रीज होती है उनका कलेक्शन उनके वीडियोज़ उनकी पोस्ट एट्सेट्रा ही वी ट्राई टू कवर ओवर हीयर ओके दिस इज इनोवेटिव इनोवेटिव सोल्यूशन फॉर पॉल्यूशन तो दिस इज आई एस आर ओ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस आई एस आर ओ तो आई एस आर ओ ने कुछ बहुत अच्छे यहाँ पे बात बताई है जैसे श्रेडिंग ये श्रेडिंग होता है प्लास्टिक को श्रेडिंग कर दो इसको मिक्स कर दो प्लास्टिक वेस्ट एडिशन प्लान करो और इस प्लास्टिक से क्यों ना हम रोड रिसरफेसिंग विथ प्लास्टिक मिक्स कर दें तो प्लास्टिक हमारा प्लास्टिक के साथ प्रॉब्लम ये है प्लास्टिक डिकम्पोज नहीं होता है इट इज़ नॉट बायोडिग्रेडेबल सो वॉट वी शुड डू इसको हम रोड कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं यूज ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन रीसरफेसिंग ऑफ रोड एट एस डी एस सी एस एच ए आर श्रीहरि कोटा में तो इसरो ने यहाँ पे इसको ऐसे यूज किया ओके okay? अब जैसे आदित्य वन है आदित्य वन इज वेरी इंपॉर्टेंट तो आदित्य एल्वन फर्स्ट इंडियन स्पेस बेस्ड ऑब्जर्वेटरी है क्लास सोलर मिशन है टू अनलॉक द मिस्ट्रीज ऑफ द सन तो सन को स्टडी करने के लिए ये काइंड ऑफ एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी है डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर है फ्रॉम द अर्थ फोर टाइम्स फार्दर देन द मून और यहाँ पर आदित्य एलवन से आदित्य एलवन से हम इसको देखें क्वालिटी ओके ओके है प्लास्टिक के साथ ये प्रॉब्लम एट टाइम्स होती है कि हाई टेम्परेचर पे प्लास्टिक मेल्ट हो सकता है बट अभी कुछ जगह हमने प्लास्टिक रोड ट्राई किया है प्लास्टिक को मिक्स करके और सेटिस्फाइड uh, हैं हम उस रिजल्ट से लेटेस्ट से अब ये जो आदित्य L1 है इसकी जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो लेघरांच पॉइंट पे होगी जैसे L1, L2, L3, L4 एटसेट्रा तो ये आदित्य लेघरांश पॉइंट होता है इस L1 पॉइंट पे आदित्य L1 को हमने रखा है अब जैसे आदित्य L1 है ये डायनेमिक्स ऑफ सोलर एटमोसफियर को समझने में हेल्प करेगा सोलर विंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड टेम्परेचर एनिसो को समझने में कोशिश करेगा तो द थिंग इज फर्स्ट टाइम हम स्टडी कर रहे हैं सन को और सन बिकॉज

फाइनल डे ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एवरी डे मीन एवरीडे एयरपोर्ट ऑफ जनवरी ट्वेंटी जनवरी ट्वेंटी टू को राम टेंपल राम जी के टेंपल का इनोग्रेशन है तो अभी यहाँ पे अयोध्या एयरपोर्ट को भी स्टार्ट कर दिया गया है तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे बताया कि अभी यहाँ पे इनोग्रेशन है रेलवे टेंपल एसेट्रा यहाँ पे एक्टिविटीज हो रही है जैसे अमेठी रिफाइनरी को अपग्रेड की बात किया है देन यहाँ पे जौनपुर अयोध्या बाराबांकी रेलवे स्टेशन को डबल लाइन इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया है सो so, ये सब डेवलपमेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यहाँ पर अभी हो रहा है सो दिस इज दिस न्यूज नेक्स्ट इज दिस कलर्स ऑफ जॉय कलर्स ऑफ जॉय टू फ्रेश बिगनिंग अ वेंडर सेलिंग रंगोली अहेड ऑफ द न्यू ईयर फेस्टिविटी इन तेलंगाना सैकंदराबाद ऑन सैटरडे ये जो सिकंदराबाद है और हैदराबाद है ये ट्विन सिटीज हैं ट्विन सिटीज सैकंदराबाद और हैदराबाद और जो हैदराबाद सिकंदराबाद है ये किस रिवर पे है कैन यू आंसर किस रिवर की तट पे दिस बैंक पे हैदराबाद सिकंदराबाद सिटी है सो so ये तेलंगाना का सिकंदराबाद ऑन सैटरडे न्यू ईयर फेस्टिविटी न्यू ईयर फेस्टिविटी देन दिस इज नेक्स्ट वन फॉरेन टेररिस्ट इन जम्मू एंड कश्मीर विल बी अवर फोकस इन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर डी जी पी स्टेटमेंट है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म

2011 में पिछला सेंसस था 2021 में सेंसस होना था बट ये डिले हुआ कोविड 19, 2022, 2023 और अभी 2024 के भी अक्टूबर नवंबर के अप्रोक्सीमेटली सेंसस होगा सो सेंसस यूजुअली प्रोसेस 10 इयर्स में होता है बट दिस टाइम ये डिले हो गया है दिस इज द नाइन्थ एक्सटेंशन इस बार इसलिए भी सेंसस इंपॉर्टेंट है बिकॉज वन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट टू जिसको नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी बोलते हैं नारी शक्ति वंदन अधिनियम जिसमें रिजर्वेशन की बात है ऑफ़ द सीट फॉर वो फॉर वुमेन इन द लोकसभा एंड द असेंबली लोकसभा विधानसभा में एक तिहाई जो सीट्स हैं वो वुमेन के लिए रिजर्व होंगी वन थर्ड सीट्स सो ये तभी एप्लीकेबल होगा जब सेंसस होगा तो सेंसस अभी डिले हो गया है तो सेंसस डिले है अब ये 2029 का जो लोकसभा इलेक्शन होगा उसमें ये होन, होने चांसेस हैं। डेटा ये रिलेटेड न्यूज़ तो अभी most probably, October 2024 तक ये डिले हो गया दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू यस अब जो नेक्स्ट है वो है इंडियाज फॉरन पॉलिसी विल हैव टू फैक्टर इन सीरीज ऑफ इलेक्शन ग्लोबली ये जो दो है 2024 है इसमें बहुत सारे स्टेट्स में इलेक्शन हैं स्टेट इलेक्शन हैं फॉरेन पॉलिसी में एट टाइम्स जो डोमेस्टिक इश्यूज होते हैं वो भी इम्पैक्ट करते हैं जिस भी राज्य में अगर हम जैसे चुनाव देखते हैं तो उधर डोमेस्टिक इश्यूज काफ़ी डोमिनेट करने लग जाते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस और दिस फॉरेन पॉलिसी में भी तो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है इसमें इलेक्शंस का इम्पैक्ट आएगा साइमल्टेनियसली देखिए और भी काफ़ी सारे स्टेट्स में इलेक्शंस ड्यू हैं जैसे इफ़ वी स्टार्ट इंडिया में जनरल इलेक्शन होंगे अभी मार्च अप्रैल में जनरल इलेक्शन होने वाले हैं देन इसके बाद अगर हम देखें मिस्टर शेख हसीना गवर्नमेंट मिस्टर शेख जो शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना मैम बांग्लादेश में यहाँ पर भी अभी चुनाव का टाइम है दिस इज इलेक्शन ईयर इसके अलावा भूटान में भी जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेरिंग uh, यहाँ पर भी अभी राउंड ऑफ इलेक्शन होने का चांसेस है पाकिस्तान में इलेक्शन हैं अब की बार पाकिस्तान में भी इलेक्शन हैं देन इसके अलावा श्रीलंका में भी पॉलिटिकल अभी एक्टिविटीज़ ऑन रहेंगी इसके अलावा द ओल्डेस्ट सो कॉल्ड डेमोक्रेसी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी इलेक्शन है तो कल ही हमने देखा था मिस्टर ट्रम्पिज्म और बाइडनिज्म तो ट्रम्प एंड बाइडन लेटे थी तो दिस इज़ यूएसए इसके अलावा रशिया रशिया में भी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है एंड एवरग्रीन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन अगेन फिफ्थ टर्म के लिए वो ट्राई करेंगे देन इसके अलावा फ्रांस में भी इलेक्शंस हैं थिंग इज so कि ये जो पूरा टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर है टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर है इसमें बहुत सारे कंट्रीज में जनरल इलेक्शन है जनरल इलेक्शन यस सो दिस इज फॉरन पॉलिसी विल हैव टू फैक्टर इन अ सीरीज ऑफ इलेक्शन ग्लोबली सी दिस इज रिपब्लिक डे कैम्प है एन सी सी का बिगिन मैं भी एन सी सी में था सी सर्टिफिकेट किया है ए ग्रेड

सो so, इसमें एन का जो डिसिप्लिन है यूनिटी एंड डिसिप्लिन की जो हम बात करते हैं दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एवरी वन ऑफ यू एन इज़ सो अमेजिंग इससे क्या होता है जैसे जो हम स्कूल्स में होते हैं कॉलेज में होते हैं स्पेसिफिकली तो हम एन सी सी वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपके कॉलेज में ऐसे एन सी सी है वहाँ पर एन से हमें एक सर्टेन डिसिप्लिन आता है फिजिकल एक्टिविटी होती है टीम वर्क आता है लीडरशिप एक्टिविटीज़ लीडरशिप क्वालिटीज़ हम लर्न करते हैं दिस इज़ वेरी वेरी गुड थिंग तो और इससे हमें एक फर्स्ट हैंड एक इंफॉर्मेशन भी मिलता है हाउ द वे अवर आर्म फोर्सेज वर्कस और अदर इंपॉर्टेंट जो लेसन हम वहाँ पे सीख पाते हैं तो ये बहुत अच्छा होता है इसके कैंप्स भी लगते हैं बहुत सारे हम डिफरेंट प्लेस में भी घूमने जाते हैं इंटरेक्शन होता है वैन यू मीट सो मेनी पीपल आई एम टेलिंग यू जब आप बहुत सारे लोगों से मिलते हैं ना तो फिर आप डिफरेंट डिफरेंट कल्चर सीखते हैं आप डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स सीखते हैं डिफरेंट बिलीफ सिस्टम सीखते हैं और ये चीज़ हमें बहुत हेल्प करता है ग्रोथ में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हमारा जो माइंड होता है वो ज़्यादा एक्सेप्टिंग होता है तो ये एक मिनी इंडिया है दिस इज़ अ काइंड ऑफ मिनी इंडिया अब यहाँ पे ट्वेंटी फाइव फ्रेंडली कंट्रीज भी हैं रिपब्लिक डे परेड अब सी क्यों ज़रूरी है ये इसलिए ज़रूरी है बिकॉज इससे एक सेंस ऑफ पेट्रियाटिज़म आता है इससे एक सेंस ऑफ डिसिप्लिन आता है इससे लीडरशिप क्वालिटीज बहुत अच्छी डेवलप होती है सो दैट इज वाई एनसीसी को गवर्नमेंट इतना ज्यादा एनकरेज करती है सो दिस इज एनसीसी प्राइम मिनिस्टर विजिट स्टेंथ करोर बेनिफिशियरी ऑफ उज्ज्वला एल पी जी स्कीम्स इन अयोध्या कल जो एक इन्फोग्राफिक हमने देखा था वुमेन लेट डेवलपमेंट और इनिशिएटिव एंड स्कीम्स वो बहुत अमेजिंग है उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिएगा देन ड्राफ्ट नॉर्म्स लुक टू मेक रेलवे मोर डिसेबल्ड फ्रेंडली तो रेलवेज है ट्रांसपोर्टेशन है ये डिसेबल्ड फ्रेंडली होना चाहिए सो एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन रेलवेज में ये ऐसे जैसे हमारा रैंप फैसिलिटी होना चाहिए ब्रेल होना चाहिए वहाँ पे वहाँ पे लो हाइट टिकट काउंटर्स होने चाहिए वहाँ पे एक डेडिकेटेड फ्रंटलाइन स्टाफ वहाँ पे डिप्लॉयड होना चाहिए साइन लैंग्वेज होना चाहिए कैप्शन होने चाहिए डिजिटल डिस्प्ले होने चाहिए ट्रेन स्टेशंस आ रही हैं उनके प्रॉपर क्रेडिबल इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन होना चाहिए इन सब चीज़ों को हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं जिससे अभी जो नए ट्रेन कोचेज भी आ रहे हैं इसमें प्रॉपर साइनेज है ब्रेल कोच नंबर्स हैं कॉन्ट्रास्टिंग कलर्स हैं एक्सटीरियर्स के सो दैट उनकी विजिबिलिटी बेटर रहे साथ ही साथ जो टॉयलेट्स हैं वो एक्सेसिबल है सिटिंग अरेंजमेंट्स हैं वो भी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए सो वी नीड टू मेक अवर इंफ्रास्ट्रक्चर डिसेबल्ड फ्रेंडली इसमें फीडबैक मैकेनिज्म भी है मोबाइल एप्स एंड वेबसाइट्स भी हमने ऐसे डेवलप कर रखी है सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है इसको डिसेबल्ड फ्रेंडली बनाए देन दिस इज साइंस साइंस में बात है नोजिया सिकनेस प्रेगनेंसी में होती है इसका कॉज ढूंढा है सी प्रेगनेंसी इज नॉट ईजी वुमन बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं और इट इज अ वेरी वेरी डिफिकल्ट फेज सो द थिंग इज इस टाइम पे केयर की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है अटेंशन केयर अटेंशन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट की बहुत जरूरत होती है बिकॉज मदर स्ट्रांग होती है तभी फिर बेबी स्ट्रांग बनता है सो द थिंग इज इसमें ऐसे स्टडी हुआ और ये देखा कि ये जो सिकनेस है ये क्यों हो रहा है और इससे रिलेटेड हार्मोनल चेंजेस भी इस टाइम पे होते हैं सो दैट इज वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सारी स्कीम्स लाती है मातृत्व वंदन योजना मातृत्व वंदन योजना इसके अलावा जब बेबी आता है तो उसके बाद भी जो अर्ली डेज हैं उसमें गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव्स भी देती है और एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड भी आपको हेल्प करने की वहाँ पे ट्राई की जाती है यस सो दिस इज़ द थिंग अब ये है कलरेशन में बी मोर देन स्किप स्किन डीप फॉर फ्रॉग्स अब ये फ्रॉग्स है ये फ्रॉग्स हैं फ्रॉग्स की भी बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है बायोडाइवर्सिटी फ्रॉग्स में बहुत सारी स्पीशीज के अलग अलग डिफरेंट फॉर्म्स हो जाते हैं कलर वेरिएशन इन फ्रॉग्स एंड टोर्ड्स में हेल्प प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट एनवायरमेंटल स्ट्रेस एंड पैथोजन ये एट टाइम्स मिमिक भी करते हैं इनका जो कलर है एटसेट्रा जैसे कैमलियन होता है वो कलर चेंज कर लेता है ये कई बटरफ्लाइज होती है जो मिमिक करती हैं सो ये जो फ्रॉग्स हैं इनका जो कलर होता है ये एक्चुअली एक काइंड ऑफ बायो डिफेंस होता है सो so, ये तीन हजार स्पीशीज का स्टडी हुआ कलर ऑफ दिस एम्फीबियन एम्फीबियन का मतलब क्या होता है ये अबिलिटी टू सरवाइव ड्यूरिंग अ चेंजिंग क्लाइमेट है इनका टॉलरेंस है जैसे लाइट कलर्ड फ्रॉग्स होते हैं ये ज्यादा वल्नरेबल होते हैं पैथोजेंस एंड यूवीबी रेडिएशन के तो जो कलर है स्किन का कलर है वो इनको एक बायो डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है देन ऑनलाइन सर्चेज इंक्रीजेज द वेरासिटी ऑफ फेक न्यूज कोई भी न्यूज़ आप सोशल मीडिया में देखते हो उसको हमेशा वेरीफाई करिए ऑफिशियल है, गवर्नमेंट हैंडल से फेक न्यूज से बैटल करना बहुत इंपॉर्टेंट है 2024 थाउजेंड ये भी एक चैलेंज है फेक न्यूज को हमें कम करना है देन फ्री रेंजिंग कैट्स में भी कैटेस्ट्रॉफिक फॉर वाइल्ड स्पीशीज ये जो आ, स्ट्रे कैट्स होती हैं या फिर फ्री रेंजिंग कैट्स होती है कई बार जैसे ये बर्ड्स को ईट करती है पिजन्स की पॉपुलेशन कम हो गई थी या फिर ये रेप्टाइल्स मैमल्स इंसेक्ट्स एम्फीबियन स्पीशीज तो ऐसे करके जो फूड वेब और फूड चेन होता है उसमें अगर कैट डोमिनेट कर रही है तो ये बायोडाइवर्सिटी को एट टाइम्स कम करती है बट ऐसा नहीं है कि कैट्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट कैट्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कैट्स नहीं होगी तो इतने पॉपुलर वीडियोज़ नहीं बनेंगे सोशल मीडिया का क्या होगा और कैट्स अगर टेक्निकली बात करें तो कैट्स नहीं होगी तो रैट पॉपुलेशन बढ़ेगी और बहुत सारे जो इंसेक्ट्स या अदर जो रैट्स हैं उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल करके रखते हैं कैट्स तो एक बैलेंस बना रहता है एक बैलेंस बना रहता है दिस इज इंटरनल क्लॉक हमारी बॉडी की भी एक इंटरनल क्लॉक होती है इंटरनल क्लॉक होने से हमें एक सरकार्डियन रिदम रहता है हमें पता होता है ये मॉर्निंग है इवनिंग है सो दैट इज़ वाई जैसे अभी एक जनवरी आ रहा है जनवरी में ऑल ऑफ यू ट्राई टू फिक्स योर बॉडी क्लॉक ट्राई टू फिक्स योर बॉडी क्लॉक ट्राई टू फिक्स योर सरकार्डियन रिदम सरकारियन रिदम क्या होता है जिससे एट सम आवर्स ऑफ डे हम बहुत पीक परफॉर्मेंस दे पाते हैं हम अटेंटिव रहते हैं फोकस्ड रहते हैं बट अगर आपने अपना स्टडी स्टाइल ऐसा बना रखा है कि आप रात भर पढ़ते हैं और फिर सुबह आप स्लीपी फील करते हैं द थिंग इज एग्जाम तो हमें सुबह ही लिखना है नाइन थर्टी पर आपका मॉर्निंग एग्जाम होगा नाइन थर्टी फिर दो बजे भी आपका एग्जाम होगा अब ढाई बजे सी सेट लिखना है और ढाई बजे तो हमारी नींद का टाइम है तो दिस विल क्रिएट डिफिकल्टी दिस विल क्रिएट डिफिकल्टी ओके सो दैट इज वाई अपनी जो बॉडी क्लॉक है सरकार्डियन रिदम है इंटरनल क्लॉक है इसको फिक्स करिए इसका फिक्स करने का एक बहुत अच्छा तरीका होता है सनराइज मॉर्निंग में आप जैसे ही उठते हो बाहर सनलाइट में जाइए ये जो सन होता है ना ये आपकी सरकार्डियन रिदम को करेक्ट करने में बहुत हेल्प करेगा सो इंटरनल क्लॉक भी हमें फिक्स करनी है मिसिंग टीबी केसेज इन द प्राइवेट सेक्टर टू तक टीबी को एलिमिनेट करना है लेवी ट्वेंटी थर्टी परसेंट हेल्थ टैक्स ऑन फूड एंड फैट तो टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में एक और रेजोल्यूशन है आपके लिए शुगर सॉल्ट और फैट इन तीन चीजों को कम करिए शुगर सॉल्ट और फैट सो दिंग इज आउटकम से ये नीति आयोग ने देखा है कि इनसे एक्चुअली बॉडी में हार्म होता है इनकी इनसे बॉडी में हार्म होता है तो इनपे एक सिन टैक्स लगाया जाए कि जो भी फास्ट फूड है जो बहुत ज़्यादा ऑयली है बहुत ज़्यादा शुगर है उसमें या फिर फैटी है उन पर एक्स्ट्रा टैक्सेस लगाए हम ग्लोबल एवरेज कंजम्पशन देखें तो शुगर का 22 टू के जी पर पर्सन पर ईयर है 25 फाइव के जी पर ईयर पर पर्सन इंडिया में है इंडिया में एक पर्सन 25 किलो शुगर साल भर में खाता है दिस इज़ वेरी हाई नंबर फ्री शुगर कंजम्पशन इन इंडिया इज़ फाइव टाइम्स द डब्ल्यू एच ओ रिकमेंडेड थ्रेशोल्ड तो ये जो स्वीट है ना दिस इज नॉट गुड यस सो इससे हेल्थ टैक्स लगाइए ताकि हम शुगर कंजम्पशन को डिस्करेज करें शुगर जो होती है मिठाइयाँ इंडिया को डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी बोला जाता है डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड वाई बिकॉज ट्रेडिशनली हम स्वीट्स थोड़ा स्वीट टूथ ज़्यादा होता है हमें स्वीट्स ज़्यादा पसंद आती है सो दिस इज द थिंग तो द थिंग इज इट इज इम्पॉर्टेंट कि हम थोड़ा कंट्रोल थोड़ा कम जैसे अभी हमने देखा था एफ का एक एडवर्टाइजमेंट था थोड़ा कम ये जो दो वाइट सब्सटेंस होते हैं शुगर और सॉल्ट इसको थोड़ा कम शुगर अगर ज्यादा कंटेंट रहता है ना तो बॉडी की एजिंग भी क्विक होती है शुगर अगर ज्यादा होता है तो एजिंग भी क्विक होती है नो यस येस विल नॉट टेक दैट नेम सो शुगर जो होता है इसको थोड़ा कम करना है शुगर कंट्रोल करिए सॉल्ट ज्यादा होता है तो हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है हाई बीपी होता है सॉल्ट भी कम शुगर भी कम ये दोनों व्हाइट क्रिस्टल्स मिनिमम होने चाहिए पोल अप फॉर इंडिया एंड द यूएसए तो इंडिया वर्ल्ड की बिगेस्ट डेमोक्रेसी यूनाइटेड स्टेट्स वर्ल्ड की सो कॉल्ड ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी सो हाउ इज द पोल शेपिंग अप फॉर इंडिया एंड द यूएसए सो द थिंग इज अभी इलेक्शन है तो यूएसए में भी इलेक्शन होंगे ऑल टाइप ऑफ से वी कैन से डिफिकल्टीज भी होंगी फंडामेंटल क्वेश्चन ये है इन दोनों डेमोक्रेसीज में कि हम नेशनल आइडेंटिटी क्या है यूएस के साथ आज की डेट में पता है क्या प्रॉब्लम हो रहा है यूएस इज़ लूजिंग इट्स आइडेंटिटी यूएस इज़ लूजिंग इज आइडेंटिटी सोशल मीडिया के एक्स मिस्टर लॉन मस्क का एक ट्वीट आया था और उन्होंने ये हाईलाइट किया था कि यूएसए में जितने लाइव बर्थ हो रहे हैं ना नई बच्चों के उससे कहीं ज़्यादा वहां पे माइग्रेंट्स आ रहे हैं कहीं ज़्यादा माइग्रेंट्स आ रहे हैं मतलब जितने न्यू बेबीज आ रहे हैं यूएसए में यूएस एस बॉर्न और उससे कहीं ज़्यादा वहाँ पे न्यू माइग्रेंट्स आ रहे हैं सो so अगर यही ट्रेंड चला तो आफ्टर से सम इयर्स जो यहाँ की डेमोग्राफी है ये बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली है डेमोग्राफी यहाँ पे चेंज होने वाली सिमिलर इज़ द पैटर्न जो यूरोप में भी हो रहा है तो यूरोप में भी फ्रांस में अभी एक लॉ आने वाला है जिसमें यूरोप में अभी फ्रांस में ओलंपिक्स भी होंगे तो दे आर गोइंग टू डिपोर्ट दे आर गोइंग टू डिपोर्ट इलीगल माइग्रेंट्स दिस इज द थिंग बट येस दिस इज ऑल्सो ट्रू यू एस तो लैंड ऑफ माइग्रेंट्स ही है तो दिंग इज नेशनल आइडेंटिटी आपकी क्या है रूल्स एंड पॉवर ऑफ द एग्जीक्यूटिव क्या हैचर जुडिशरी वेलफेयर रीडिस्ट्रीब्यूशन और रिलेशन विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ये थीम रहेगा यूएस एंड इंडिया में भी दिस इलेक्शन का पॉलिटिकल डिबेट है पेडागॉगी पॉलिटिकल क्या होगी किन सारे मुद्दों के बेसिस पे चुनाव लड़ा जाएगा इसके अलावा वुमन्स राइट अफर्मेटिव एक्शन बॉर्डर मैनेजमेंट रिलेशन बिटवीन द फेडरल एंड रीजनल गवर्नमेंट रोल ऑफ द मीडिया एंड सिविल सोसाइटी दीज आर द पॉइंट जिसपे ऑब्जेक्टिवली इलेक्शन को बेस करना चाहिए तो दोनों कंट्रीज में कॉन्फ्लिक्ट भी है कॉन्फ्लिक्ट इंटरनल जो चैलेंजेस हैं वहाँ पे तो द थिंग इज लेट एस सी 2024 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ईयर फॉर बोथ द कंट्रीज और इसमें इंटरनेशनल इवेंट्स भी हैं रशिया यूक्रेन वॉर और अभी इजराइल एंड हमास का कॉन्फ्लिक्ट सेकेंड एक और इंपॉर्टेंट चीज़ हो रही है वो हो रही है पोलराइजेशन आजकल जो चुनाव हो रहे हैं ये बहुत ज्यादा पोलराइज हो रहे हैं पोलराइजेशन इज अगेन अ वेरी डिस्टर्बिंग ट्रेंड पोलराइजेशन तो ये भी एक बात है पोलराइजेशन देन इसके अलावा एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर का क्या रिलेशन रहेगा हॉस्टिलिटीज़ बढ़ रही है इवन जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन हैं उनमें हॉस्टिलिटीज़ बढ़ रही है दिस इज अगेन अ डिस्टर्बिंग ट्रेंड फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया में ही हम देखें ऑफिस ऑफ गवर्नर है ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर है ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है बट अगर इन दोनों पोस्ट के बीच में कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में कॉन्फ्लिक्ट होता है सो इट इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर एनी स्टेट सिमिलरली यूएसए में भी देखिए यूएसए में जुडिशरी है और एग्जीक्यूटिव हैं जुडिशरी एग्जीक्यूटिव सेपरेशन ऑफ पावर है, है। बट अभी जुडिशरी ने मिस्टर ट्रंप को बैन कर दिया टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन तो क्या ये जुडिशरी इंटरवीन कर रही है क्या ये जुडिशियल एक्टिविज्म है दिस इज ऑल्सो वन थिंग तो एग्जीक्यूटिव वो लेजिस्लेचर का रिलेशन भी है ये भी एक इम्पॉर्टेंट थीम है तो बेसिकली वी आर कम्प्लीटली अ पॉलिटिकल वे में हम यहाँ पे देखें किन सारे मुद्दों के बेसिस में हमें इलेक्शंस को इनको देखना चाहिए इलेक्शंस को देखना चाहिए देन दिस सी व्हाट इज द ग्लोबल फॉल आउट ऑफ टू वॉर फ्रंट्स दो वॉर फ्रंट्स अभी वर्ल्ड में ओपन है थर्ड वॉर फ्रंट ताइवान का पॉसिबल है चाइना ताइवान टू वॉर फ्रंट्स हैं टू वॉर फ्रंट्स में फर्स्ट चल रहा था यूक्रेन एंड रशिया सेकेंड हो गया इजराइल और हमास और अभी थर्ड टेटेसी सो वॉट इज द ग्लोबल फॉलोट ऑफ टू वॉर फ्रंट्स तो यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है गाजा है सीज फायर अभी तक नहीं हुआ है रशिया की पोजीशन स्ट्रॉन्ग है यूक्रेन बिकॉज जो सपोर्ट फ्रॉम यूरोप एंड यूएसए नेटो है वो कम होता नजर आ रहा है सो द थिंग इज इंडिया के क्या स्टेक हैं और ग्लोबल साउथ में क्या इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है तो उसी रशिया वॉर स्टार्ट हुआ था ऑल वॉर्स आर अगली सो अ कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्टजिस्ट विद लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन ऑफ ग्लोबल सिक्योरिटी रशिया और हमस में डिफिकल्टी है और अभी सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन में डिफिकल्टी आ रही है डिस्ट्रप्शन ऑफ सप्लाई चेन है ग्लोबल साउथ जो है हमारा फोकस एरिया रहना चाहिए यूक्रेन वॉर ने भी अगर हमें बताया कि जो थिएटर ऑफ वॉर होता है वहां पे डिस्ट्रक्शन होता है फॉर एग्जाम्पल ये जो वॉर हो रहा है ये गाज़ा में हो रहा है इसराइल की फौज जाके गाजा में लड़ रही है सो द थिंग इज डिस्ट्रक्शन कहाँ पे हो रहा है गाज़ा में हो रहा है सिमिलरली रशियन फोर्स जाके लड़ रही है यूक्रेन में और इधर से नेटो का रेजिस्टेंस आ रहा है तो डिस्ट्रक्शन कहाँ पे हो रहा है यूक्रेन में हो रहा है सो वन फैक्ट इज़ कॉन्स्टेंट कि जहां थिएटर ऑफ वॉर होता है वहां पे डिस्ट्रक्शन होता है सो so, एक और फिर फैक्टर ये आता है कि आजकल के जो वॉरफेयर हो रहे हैं ना ये प्रॉक्सीज के थ्रू हो रहे हैं कंट्रीज डायरेक्ट वॉर नहीं करती फॉर एग्जाम्पल अगर हम यू का अगेन हिस्ट्री देखें तो यू बहुत सारी वॉर्स में इन्वॉल्व है यू बहुत सारी वॉर्स में इन्वॉल्व हुआ है बहुत सारे एक्सपीडिशंस भी हुए हैं वॉर ऑन टेररिज्म भी हुआ है बट द थिंग इज़ ये सारी वॉर्स जो हुई है ये आउटसाइड यू हुई है चाहे इराक चाहे वो अभी दिस हमस या फिर साइय वियतनाम सो द थिंग इज दिस थिएटर ऑफ वॉर को समझना बहुत जरूरी है और डिस्ट्रक्शन कहाँ पर होता है सेकेंड जो वॉर हुआ है उसके रीजनस जैसे नेटो का एक्सपेंशनरी टेंडेंसी था यूक्रेन को नेटो अपने यहाँ इन्वॉल्व करना चाहता था बट द थिंग इज इस बात पे यू रशिया ट्रिगर हुआ मॉस्को ट्रिगर हुआ और ये वॉर स्टार्ट हो गई ऑल्दो इसकी डिफिकल्टी तो 2014 थाउजेंड फोर्टीन क्रिमियन पैनेंसुलर क्राइसिस से ही देखने को मिल रही थी बट अगेन प्रॉक्सीज ज है और जो दूसरी अभी अगर इसराइल का वॉर देखें तो इसराइल का वॉर भी स्टार्ट हुआ बिकॉज ऑफ अटैक टेररिस्ट अटैक तो टेररिस्ट अटैक वी कैन नॉट जस्टिफाई वी शुड नॉट जस्टिफाई बट उस टेररिज्म अटैक का जो रेस्पॉन्स आया है और उस रेस्पॉन्स में जो सिविलियन डेथ हो रही है डिस्ट्रक्शन हो रहा है इसको भी वी कैन नॉट जस्टिफाई वी शुड नॉट जस्टिफाई सो दिस इज द प्रॉब्लम कि वॉर में ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है वॉर में बहुत सारे शेड्स होते हैं ब्लैक शेड भी है व्हाइट शेड भी है सो द थिंग इज की वॉट शुड वी डू और इसमें यूनाइटेड नेशंस साइलेंट क्यों है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वेयर इज यूनाइटेड नेशंस वेयर इज यूनाइटेड नेशंस यूनाइटेड नेशंस क्यों वॉर को स्टॉप नहीं कर पा रहा है सो दिस इज द थिंग ऑल दो सारी वॉर्स होती है उसका मेजर रीजन जियो इकोनॉमिक रीजन ही होता है इंडिया का स्टैंड बहुत क्लियर है इंडिया युद्धा नहीं बुद्धा की बात करता है हाउ डज इंडिया लुकेट द कॉन्फ्लिक्ट इंडिया बोलता है टॉकफुल पीसफुल टॉक हो और इसराइल में भी टू स्टेट सोल्यूशन है वेन सिविलियन कैजुअलिटीज माउंटेन इन गाजा अंडर इसराइल्स इनडिसक्रिमिनेट अटैक इंडिया ज्वाइन द ग्लोबल कोरस कॉलिंग फॉर अ सीज फायर तो अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट है प्राइम मिनिस्टर साहब का भी एक स्टेटमेंट आया था अभी कि जो सिविलियन एट्रॉसिटीज हो रही है वो गलत है

मैक्सिमाइजिंग इट्स इंटरेस्ट थ्रू मल्टी एंगेजमेंट एंड ट्राइंग टू बी अ वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ एक्सेलेंट लाइन है ये हमारा भी ऑफिशियल पॉलिसी है दिस इज अवर पॉलिसी और एक जो कॉन्स्टेंट थ्रेट हमें बना हुआ है वो है सी कंट्री दैट इज चाइना सो यूएस का जो जियो पॉलिटिकल इंफ्लुएंस है ये थोड़ा डिक्लाइन है टू में यूएसए के लिए और डिफिकल्टीज आने वाली है तो द थिंग इज रशिया का प्रेजेंस है इसराइल का प्रेजेंस है अरब वर्ल्ड का प्रेजेंस है ग्लोबल साउथ का प्रेजेंस है चाइना इज वन फैक्टर तो इस तरीके से पूरा जियो पॉलिटिक्स टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर में ये जो दो वॉर फ्रंट हैं ये डिक्टेट करेंगे सिमिलरली वॉट मे टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर होल्ड फॉर द इकोनॉमी रशिया यूक्रेन क्राइसिस वेस्ट एशिया क्राइसिस बने रहेंगे वर्ल्ड अभी रेसेशनरी टेंडेंसी में है इकोनॉमिस्ट ऐसा प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग रेसेशन इज लॉन्ग ओवर ड्यू प्रोबेबली इन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर सम ऑफ द की सेक्टर्स इकोनॉमी के कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग फाइनेंशियल एंड रियल एस्टेट सर्विसेज में रॉबोस्ट ग्रोथ नजर आएगा इंडिया एक शाइनिंग स्पॉट है रेड सी में डिफिकल्टी होती है तो फिर सप्लाई साइड बॉटल नेक्स आएंगे पॉलिटिकली ये ईयर चैलेंजिंग रहेगा बिकॉज दो हजार चौबीस में जनरल इलेक्शन भी हैं सो so, इन सब के कारण इकोनोमी में इस बार सेफ चलने का पूरा वर्ल्ड ट्राई करेगा सो so, इन्फ्लेशन भी ऑब्वियसली देर है कोविड नाइन्टीन का एक न्यू वेरियंट भी आ रहा है देर आर सो मैनी अनसर्टेनिटीज देन दिस इज गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है दिस इज आई एन एस इम्फॉल पी फिफ्टीन भी क्लास है पी फिफ्टीन एक कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर का फॉलोअप है ये इस शहरों के नाम से हम एक क्लास मतलब एक टाइप ऑफ वेपन टाइप ऑफ हम शिप्स बनाते हैं टाइप ऑफ हम से फ्रिगेट या हम इस टाइप से अपनी शिप्स बनाते हैं शिप्स को डिजाइन करती है नेवी तो ये क्लास है क्लास मतलब इन सारी शिप्स में जैसे ये चार शिप है 15B के अंदर इन चारों में सर्टेन सिमिलैरिटी होगी और इनको हमने बता दिया जैसे फिफ्टीन बी एंड फिफ्टीन ए है ये कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर है ओके डिस्ट्रॉयर है मतलब अटैक एंड डिस्ट्रॉयर है अब सी इसमें फोर कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री विशाखापट्टनम मोरमोगांव इम्फॉल और सूरत इनके नाम से हमने इन डिस्ट्रॉयर्स को नॉमनक्लेचर किया पहला जो दो शिप था एक था आई एन एस विशाखापट्टनम और आई एन एस 2021 दो हजार इक्कीस बाईस में हुआ फिर सूरत अभी कमीशन हुआ और अभी आई एन एस इम्फॉल कमीशन हो रहा है तो ऐसे करके ये चार शिप्स अभी हमने कमीशन किए है आई एन एस इम्फॉल मुंबई डॉकयार्ड में अभी ये कमीशन हुआ है Then this is NDDB plans to extend Amul model to Kenya Amul cooperative model. Textile sector faces ESG ke challenges. Textile sector mein bhi kafi difficulties aa rahi hai Number 1 difficulty तो ये है slowdown of Europe and America. तो इससे export import हो export hamper हुआ है. दूसरा एक और चीज आ जाता है. आजकल काफी term use चल रहा है. This is ESG. What is ESG? ई का मतलब यूरोपियन यूनियन के कुछ नॉर्म्स हैं ये है एन्वायरमेंट सोशल और गवर्नेंस कि आप टेक्सटाइल सेक्टर में वर्क कर रहे हो बट इसका एनवायरमेंटल कॉस्ट क्या है क्या यहाँ पे लाइक लेबर है उनको फिक्स वेजेस हैं उनके राइट्स वहाँ पे रिजर्वड हैं सेफ गार्ड हैं या नहीं है प्लस आपका गवर्नेंस कैसा है तो आज की डेट में जैसे बिजनेस में भी हम बोलते हैं ना बिज़नेस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम क्या देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में हम देखते हैं कि हाउ एथिकल दे आर हाउ एथिकल दे आर 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 दे डूइंग देयर वर्क विद एथिक्स और नॉट दिस इज रजन इंडिया वन में डे वन से वी वर वेरी वेरी क्लियर वी आर गोइंग टू डू एवरी थिंग विद अटमोस्ट सिंसियरिटी स्टूडेंट इंटरेस्ट फोर फोर में रहेगा फ्रंट में रहेगा और एथिक्स और जो स्ट्रांग वैल्यू सिस्टम है हम उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे भले हमारी ग्रोथ स्लो होगी बट वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज विद अवर एथिक्स एंड वैल्यूज सो सिमिलरली कॉर्पोरेट्स में भी ऐसा होता है कि वाट वॉट एंड वॉट ऑल आर योर एथिक्स एथिकल वैल्यूज क्या है तो इसमें ई एस जी एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आने लग गया है पहले कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आता था सी एस आर प्रॉफिट का कुछ प्रतिशत वापस आपको गवर्नमेंट आपको सोसाइटी को देना है अब ये ई एस जी नॉर्म्स भी हम काफ़ी कंसिडर करने लग गए टेक्सटाइल सेक्टर में एट टाइम्स डिफिकल्टीज भी आती है वेस्टेज एक बहुत बड़ा डिफिकल्टी है वर्क आवर कंडीशन बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं तो इन सब में ये भी है कि आपने वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायोलेशन तो नहीं है प्लस बच्चों का वहाँ पे इन्वॉलमेंट नहीं है वर्क में लाइक चाइल्ड लेबर तो नहीं है वहाँ पे ये सब फैक्टर्स भी अभी इंक्लूड होने लग गए देन दिस इज नेक्स्ट थिंग ये वर्ड है चाइना इज़राइल मलेशिया चाइना वीज़ा एप्लीकेशन एयर स्ट्राइक है यूक्रेन देन दिस इज सर्बिया और दिस इज स्पोर्ट्स क्रिकेट और ये न्यूज़ है टर्निंग द कैलेंडर बैक टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एंड हो रहा है टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री में साइक्लॉन्स थे डेमोक्रेटिक दिस पार्लियामेंट पार्लियामेंट न्यू पार्लियामेंट का इनोग्रेशन हुआ क्रिकेट का वर्ल्ड कप हुआ फाइनल हर गए सो द थिंग इज ये सारी इंपॉर्टेंट इवेंट हुई है तो जो हमने वो होमवर्क किया था ना लिस्ट प्रिपेयर करने का आप उसको अच्छे से करना जितनी भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री की उनको एक चार्ट में एक टेबल में आप लिख लो ऐसी हंड्रेड इंपॉर्टेंट इवेंट्स लिख लो ये आपको जब आप आंसर राइटिंग करने जाओगे ना आपको बहुत काम आएगी ये सारी हंड्रेड इवेंट्स जो इम्पोर्टेंट हंड्रेड इवेंट्स हुई हैं टू के या इंपॉर्टेंट जो प्लेसेज हैं इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज हैं इन सब की एक लिस्ट बना लीजिए आप और ये बहुत फॉर्डर मटेरियल की तरह बहुत हेल्पफुल रहेगा आपको ओके सो दिस इज नाउ लेट अस हैव दिस आंसर राइटिंग डिस्कशन ये आज का न्यूज़पेपर था 365 डेज न्यूज़पेपर, फैंटास्टिक सो लेट अस सी अभी आज का जो हमारा डिस्कशन है अच्छा इंटरव्यू वन है यहाँ पे डैफ आपको यहाँ सबमिट नहीं करना है मैं अभी आपको पूरा एक सेशन लेके सबका डैफ डिस्कस करूंगा ना मेरा भी रिजोल्यूशन है वन टू वन सेशन ज़्यादा से ज़्यादा करने आई विल डू दैट टू आई विल डू ऑल टू डॉल ओके अब सी ये कल डिस्कस करना है हमें स्लम्स हो गया था हमें ये करना था ट्वेंटी फर्स्ट का एक आंसर बचा हुआ है फिर डैफ अपना हो जाएगा फिर हम एट एटपार आ जाएंगे बस लॉ मेकिंग एंड दिस होगा फिर प्लस टू साइकिल पे हम फिक्स हो जाएंगे सो यू हैव वन मोर डे इसको कल करते हैं फर्स्ट ऑफ जनवरी से भारतीय न्याय संगीता बिल 2023 ऑलराइट सो दिस कंप्लीट्स 2023 थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच सबके लिए जोरदार तालियां आप सबका जो सपोर्ट है आप सबका जो लव सपोर्ट अफेक्शन है इसी ने ये सारी चीजें पॉसिबल की है सो थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग कल से नया साल चालू हो रहा है वी डिड इट थ्री सिक्सटी फाइव आउट ऑफ थ्री सिक्सटी फाइव कल से न्यू ईयर चालू हो रहा है हमें फ्रेश बिगनिंग करनी है जितनी भी कमियां हैं उसको दूर करेंगे जितनी भी अच्छी बातें हैं उनको और एम्पलीफाई करेंगे एंड वी विल हैव अ क्लीन स्लेट प्रोटोकॉल ओके कल डे वन है नई शुरुआत करना है अच्छी हैबिट्स को करना है अच्छे डिसिप्लिन से वर्क करना है सक्सेस विल बी योर्स सक्सेस विल बी योर्स ओके okay? और न्यूज पेपर एवरी डे मीन एवरी डे से हमें फॉलो करना है सो इट्स बीन अ रियली गुड जर्नी टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री टू थाउजेंड ट्वेंटी टू और अब टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर कल से स्टार्ट होगा सो विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर डू द बेस्ट ओके ऑल राइट सो टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टेक केयर स्टडी वेल एंड बी सेफ हैव अ नाइस डे एवरी वन अ नाइस डे सी यू मोरू न्यू ईयर में Música